हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में क्लास 12 वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नर समीकरण को बताते हैं जो हमेशा हर साल यूपी बोर्ड में आता है। देखिए, नर समीकरण क्या है और कैसे कैसे होता है ये हम आपको बताते हैं, सबसे इजी मेथड ताकि आपको याद हो जाए। देखिए, नर समीकरण अकॉर्डिंग टू नेनर्स वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल, देखिए याद करिए, वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है उसे नर समीकरण कहते हैं। देखिए मेरे साथ बोलिए, वह समीकरण जो विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है उसे नर समीकरण कहते हैं। देखिए कितना इजी है, नहीं है? वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है उसे नर क्या कहते हैं, नेनर्स समीकरण कहते हैं या नर समीकरण कहते हैं। देखिए कैसे संबंधित था, पेपर का माना किसी इलेक्ट्रोड के लिए अभिक्रिया, देखिए ये कोई अभिक्रिया हो रही है, किसके लिए, इलेक्ट्रोड के लिए अभिक्रिया हो रही है, कैसे अभिक्रिया, देखिए यम उसके पावर यन, यन प्लस वन, देखिए एक है ना उस पर यन, यन के पावर प्लस है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी जो यन है वो यन ई इलेक्ट्रॉन निकल के ये खाली यम हो जाता है, ये इलेक्ट्रोड हो रही है, इलेक्ट्रोड के लिए अभिक्रिया बताई गई है। देखिए तो अर्धसेल के लिए विभव, अर्धसेल के लिए विभव क्या होगा, देखिए अर्धसेल के लिए विभव, देखिए m n पावर, देखिए ना m n के पावर प्लस अपान m, ठीक इक्वल, फिर ये चीज हमको ले ली m e m n के प्लस 1 पावर m, फिर क्या है माइनस r t अपान n f, क्या है माइनस r t अपान n f इन, देखिए ऊपर m बिग ब्रैकेट में नीचे m n प्लस, ठीक है। अब ये कह रहा है ठोस के लिए, ये कह रहा है ठोस के लिए, अब ठोस के लिए यम का मान एक होता है तो यम के स्थान पर आप एक रख दीजिए, कुछ नहीं करना उसको उतारते हुए, देखो यहाँ से उतारते हुए आप आइए एक खाली यम, जहाँ यम है यहाँ, यहाँ पर एक रख देंगे, एक रख देंगे, ठीक है। देखिए अब ये कह रहा है यदि लाग के रूप में लेते हैं, इसको लाग के रूप में लेते हैं तो सब कुछ उतारते हुए आइए, जो जो यहाँ पर 2.303 लॉग के रूप में आएगा तो ये 2.303 आर टी अपान एन एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आर टी अपान एन एफ हो जाएगा, जहाँ इन है वहाँ पर लॉग लगाकर इसको देखिए उतार लीजिए, देखिए पॉइंट ना ये पॉइंट देखिए उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या ये हो रहा है, देखिए जो इसमें आर है वो गैस नितांक है, देखिए जहाँ आर जो है वो गैस नितांक है, एक जिसकी कांस्टेंट मान, देखिए उसका कांस्टेंट वैल्यू दिया 8.314, ठीक है, जूल प्रति केल्विन, ठीक है, प्रति मोल होता है, ठीक है, या के पावर माइनस वन मोल पावर माइनस वन होता है। कभी कभी देखिए यफ का मान, देखिए कभी कभी आर का मान देखिए आता है, अब देखिए यफ, यफ क्या है, यफ फैराडे है, यफ क्या फैराडे, फैराडे मान है जिसका यफ की वैल्यू 996500 यानी 96500 प्रति मोल होता है, ठीक है। देखिए टी क्या है, जो इसमें टी है, देखिए टी क्या है, टी आपका ताप केल्विन है, टी क्या है ताप केल्विन है, यन क्या है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान, यन यन क्या है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान है। देखिए दोस्तों ये कैसा लगा, अब देखिए इन सब पूरे का मान अगर आप रख देते हैं तो देखिए आपको मान कितना मिलता है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, देखिए मान रख के देखते हैं कितना मान मिलता है, इसको आप लोग लिख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए इसे जगह बता देते हैं थोड़े छोटे में, यहाँ बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ बता देते हैं, अब कह रहा है कि जैसे सपोज दैट कुल मान रखने पर, यहाँ कुल मान रखिए, कुल मान रखने पर, देखिए जो मान जितना दिया है, ये सब जितना मान जितने ही है, इस पूरे मान को रखने पर हमको क्या मिलता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए ई तो अक्सर लिख लेंगे ई यम यन प्लस अपान यम, ये तो हो जाएगा, ठीक है,
इक्वल, देखिए समझ में आ रहा है, ईएम ई जितना मान है इसको आप रख लीजिए, उसके बाद फिर देखिए आपको क्या मिलता है, ई पावर एम रखते हैं तो आपको मिलता है 0. देखिए लाभ वाले में कितना है, ये है ना ई एम एन, हाँ तो मान रखने पर आपका आ जाएगा 0.0059/2 लॉग केसी हो जाएगा, ठीक है केसी। देखिए ये हमारा पूरा उपयुक्त मान रखने का हमारा मिला है, जहां केसी क्या है मालूम आपको, देखिए दोस्तों ये आपका उपरोक्त मान रखने पर पूरा इतना आ गया, ई एम एन प्लस पावर एम इक्वल 0.059/2 लॉग केसी। अब ये हमको बताना है कि केसी आपका क्या है, देखिए जहां केसी, जहां जो के और सी है ये क्या है साम स्थिरांक है, क्या है साम्य स्थिरांक है, साम स्थिरांक, ठीक है केसी आपका क्या है, जहां केसी आपका, देखिए जहां केसी आपका क्या है साम्य स्थिरांक है। देखिए ये हमारा क्या होगा नर समीकरण कंप्लीट हो गया, ठीक है कि नहीं, उसे केसी के भी मान होता है, अगर कहते केसी के मान बता देते हैं, देखिए केसी को, केसी के जो मान होता है वो होता है 2×10^37, केसी के मान देते हैं लिख देते हैं, केसी का भी मान होता है 2×10^37 जो 37 होता है, लगभग इतना ही होता है केसी बराबर 2×37, ठीक है कि नहीं है, केसी का भी मान लिख देते हैं, साम स्थान का भी मान क्या 2×10^37। एक बार देखिए फिर हम आपको बता देते हैं नर्स समीकरण, अकॉर्डिंग टू नर्स वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे नर्स समीकरण कहते हैं। देखिए आप याद बोल रहे हैं, याद करने का प्रयास करिए, नहीं तो पूरा सब बेकार है पूरा, आपको हर हालत में याद होना चाहिए कि नहीं एकदम पूरे, कोशिश करिए, देखिए फिर से याद करिए, वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे नर्स समीकरण कहते हैं। नहीं याद हुआ फिर से याद करिए सभी लोग, वह समीकरण जो सेल के विद्युत वाहक बल और आयनों के मध्य संबंध स्थापित करता है उसे नर्स समीकरण कहते हैं। देखिए माना किसी इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए यह है, अर्ध सेल के लिए आपका यह हो जाएगा, अभी ये देखिए ठोस के लिए एक होगा, एक के लिए बस खाली है एक रख के पूरा उतार लीजिए, फिर ये के लिए देखिए एक उतार लेंगे, फिर लाग के रूप में करने के लिए 2.33 और यहाँ पर आप लाग लगा दीजिए, जिसका वैल्यू दुख दिया है कुल मान रखेंगे आपको ये मिल जाएगा केसी समस्या केसी मान ये हुआ। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर हमको लाइक कमेंट में जरूर बताइए, बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं बताएंगे तो भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिए।